आयोजन आपका, व्यवस्था हमारी, संतुष्ट रहे आप, जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ, आपकी गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए अब हर बजट में हम आपको लग्जरियस देने का वादा करते हैं। विवाह समारोह हो या कोई भी मांगलिक आयोजन, समस्त व्यवस्थाएं अब एक ही छत के नीचे। हमारे परिसर हैं वृंदावन गार्डन, शुभ परिसर, लक्की गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, अमृत परिसर, गंगराड़े धर्मशाला, नार्मदी धर्मशाला और बापू गार्डन। संचालक रितेश कपूर और श्याम कपूर। मोबाइल नंबर 9827370996 और 9424816206। एक फोन आप हमें करें, हम वादा करते हैं आपको दूसरा फोन कहीं नहीं करना होगा। खंडवा में कोरोना महामारी का प्रभाव त्योहारों पर भी पड़ रहा है। आने वाले मोहर्रम पर्व पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। इस बार मोहर्रम में आकर्षक ताजिया देखने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड 19 के नियमों के पालन के तहत ही ताजियों का निर्माण और निकाला जा सकेगा। इसको लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई उपस्थित थे, जिन्होंने शासन की गाइडलाइन नहीं होता है ताजियों का निर्माण और ताजियों का विसर्जन संबंधित जानकारी बताई। बताया गया कि बाहर रोड पर टेंट नहीं लगा सकते हैं, वहीं ताजियों में सीमित संख्या होगी। आमजन के मोहर्रम पर्व के मद्देनजर कोतवाली परिसर में ताजियेदार और सवारियां निकालने वाले की बैठक का हुई, जिसमें नगर के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक कर अधिकारियों ने मोहर्रम का जुलूस नहीं निकालने की अपील की। ललित गठरे ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस के चलते अभी कोई भी व्यक्ति ताजियों को सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखे जाएंगे, किसी भी कार्यक्रम के अनुमति नहीं दी जाएगी। शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन में मोहर्रम पर किसी भी प्रकार का कोई जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। सभी उपस्थित जनों लोगों से क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव सहयोग करने की अपील की। कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने कहा कि प्रशासनिक दिशा निर्देशों का सभी लोग पालन करें। इस मौके पर पंडाल लगाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाहर कोई टेंट और ऐसा आप लोग पंडाल नहीं लगा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि जैसे जो पुराने लोग इमामबाड़ा में रखते थे वो इमामबाड़ा में ही रखेंगे, और पिछले वर्ष जैसा आपने किया था कि अंदर रख सकते हैं या घर पे जहां भी आपका संभव है, एक्स्ट्रा बाहर रोड में टेंट लगाने की इसकी अनुमति अभी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा, पिछले वर्ष जैसे साइज आपने छोटा बनाया था, तो अभी साइज को लेकर कोई निर्धारित वो नहीं है कि कितने बड़े साइज का होना चाहिए, हम उसको और क्लियर कर लेंगे। और वैसे उससे कोई समस्या नहीं है, अगर आपने बना लिया तो हम उसको चर्चा करके कोशिश करेंगे कि जो आपका ताजिया है उसी स्वरूप में रहे, उसके साइज से समारोह किसी भी स्थिति पे, क्योंकि आप लोग जब विसर्जन करने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे और लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं कहीं पर किसी किसी ताजिए के साथ 100-150 लोग भी इकट्ठे रहते हैं। तो बहुत स्पष्ट बता देता हूँ मैं कि इसमें मतलब 5 और 7 लोगों से ज़्यादा को अलाउड करेंगे नहीं, ठीक है। ये इसमें पिछले वर्ष जैसा हुआ था इस वर्ष भी ऐसा होगा। उसके बाद हम लोग एक बंद पत्र देंगे आपको, जो भी ताजिया और सवारी के जो आयोजक है उस पर आपका नाम लिखा रहेगा और उसमें ये नियम और शर्तें लिखी रहेंगी कि कोविड के गाइडलाइन का पालन करूँगा मैं, और अगर उसके अगर हो तो मैं उसके लिए जवाबदार मैं रहूँगा। तो इस टाइप से आपको एक बंद पत्र दिया जाएगा, पहले पिछले वर्षों में भी देते थे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तय है और उसमें आप बताएंगे कि मैं मेरा जब विसर्जन होगा तो मैं किस दिन कितने बजे निकलूँगा यहाँ से, वो आपको बहुत क्लियर बताना पड़ेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि जगह जगह की जो ताजी है सवारी एक साथ अगर निकल गए तो शहर में अपने आप एक जुलूस का तरीका दिखने लगेगा, तो उसका हम समय या अलग अलग निर्धारित करें तो उस हिसाब से उसमें विसर्जन होता है।